बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फूड ऑन फोर्क एंड एवरीडे व्लॉग्स। माय टुडेज वीडियो इज अबाउट फ्रीजर एंड फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिजर्विंग और स्टोरिंग डिफरेंट वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड डिफरेंट फूड आइटम्स बिफोर रमजान फॉर रमजान। इसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि रमज़ान से पहले आप एक महीने के लिए अपनी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आपकी स्पाइसेस हैं या हर्ब्स हैं, उनको कट करके क्लीन करके आप किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना फ्रिज और फ्रीज़र दोनों को साफ़ करना, डिफ्रॉस्ट करना है, जो कि मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद आपने उसमें जो है स्पेस को देख के छोटे छोटे कंटेनर्स लेके उनके अंदर अपनी चीज़ों को स्टोर करना है। पहली चीज़ जो मैं स्टोर करती हूँ वो है धनिया। जो सूखा धनिया है उसको मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेती हूँ, कुछ जो है उसको दरदरा ग्राइंड करती हूँ, कुछ को पाउडर की फॉर्म में ले आती हूँ, क्योंकि रेसिपीज़ अपने अपने हिसाब से वो उसमें यूज़ होता है। फिर जो है जिंजर और गार्लिक दोनों को पील ऑफ करके उनको अच्छी तरह से धो के सुखा के और उसके बाद उसको कंटेनर के अंदर जो है मैं स्टोर कर लेती हूँ। जिंजर गार्लिक का मैं पेस्ट भी बनाती हूँ, लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको चॉप्ड जिंजर या गार्लिक चाहिए होता है, इसीलिए मैं ये एक्स्ट्रा रखती हूँ साथ में। और फिर जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो आप उसके डंडे वगैरह निकाल के या स्टॉक्स निकाल के उसको धो के अच्छी तरह से स्टॉक्स निकाल के फिर उसको सुखा के उसको आप एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं। जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं आपको अपनी वीडियो में बता भी चुकी हूँ पिछले, कि उसको आप किस तरह से उसमें नमक और टर्मेरिक पाउडर और कुकिंग ऑयल डाल के उसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद जो है इमली की चटनी, वो भी मैं आपको पिछले किसी वीडियो में बता चुकी हूँ, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ग्रीन धनिया और मिंट पुदीना, उसको आप ग्राइंड करके थोड़ा सा वाटर ऐड करके उसको जब पेस्ट बन जाए उसको आप जो है आइस क्यूब ट्रे में उसके क्यूब्स बनाएं। जब भी आपने चटनी बनानी हो एक क्यूब डाल के आप दही में मिक्स करें। ये लेमन जूस है, तैयार भी मिलता है, लेकिन मैं फ्रेश जूस भी अपने पास रखती हूँ। तैयार आपको शंग्रीला वालों का बहुत अच्छा मिलेगा, वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी जो है ये मैं खामखा रेडी करती हूँ, क्योंकि समोसे पकोड़े वगैरह ये इन चीज़ों के साथ ये बहुत अच्छी जाती है। दही भल्ले पे भी इमली की चटनी जाती है, तो इमली की चटनी की रेसिपी भी मेरे पिछले ब्लॉग्स में आपको मिलेगी। और आलू बुखारे की सिंपल वही रेसिपी है, आलू बुखारों को जो है सूखे आलू बुखारे लेके उसको धो के सुखा के 2-3 कप पानी में पका के उसमें चीनी और बादाम पील ऑफ करके और साथ में 4 मगज़ डालें, चीनी डालें और चिली फ्लेक्स डालें, तो ये आपकी चटनी जो है वो रेडी हो जाएगी, उसको भी आप स्टोर कर लें। उसके अलावा कीमा वगैरह जो है या चिकन जो है ये आप पहले से मतलब अपने पास फ्रीज़र में, फ्रिज में या फ्रीज़र में आप पहले से स्टोर करके पैकेट्स में या बॉल्स बना के फ्रीज कर लें। दूध जो है हमारा जो फ्रेश मिल्क आता है वो पैकेट्स में आता है, वो फिर जो रमज़ान से पहले मैं पैकेट्स जमा करने शुरू कर देती हूँ, तो उसका ये हिसाब है कि फिर वो साथ साथ जब आपने दही बनाना है तो आप 2 पैकेट या 3 पैकेट जितने भी आपको दही चाहिए तो उतने के लो दूध निकाला, बॉईल किया और उसको थोड़ा सा कुनकुना हो उसमें आप जो है वो थोड़ा सा दही की लस्सी बना के पानी में वो उसमें ऐड करके उसको अच्छी तरह मिक्स करके ओवन के अंदर या कुकिंग रेंज के अंदर रखते हैं ओवरनाइट, तो सुबह आपका ये इस तरह का दही, अच्छा सा मीठा दही, क्लीन साफ और घर का बना हुआ हेल्दी दही बन जाएगा। तो ये छोटे छोटे कंटेनर्स हैं जो कि आप अपने फ्रिज में या फ्रीज़र में रख सकते हैं, या फिर ज़िपलॉक बैग्स हैं या शॉपर आप के पास अवेलेबल नहीं होते तो शॉपर में आप इनको फ्रीज करके रख सकते हैं। तो ये आज की छोटी सी एक वीडियो थी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और देखते रहिए
फूड ऑन अ फोर्क इन एवरीडे व्लॉग्स। जा रहे खुश रहें, अल्लाह की हिफाजत में रहें।